हम इस वीडियो में देखेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं और कैसे हम लॉजिक सर्किट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉजिक गेट्स लगभग सारे डिजिटल सर्किट्स का हिस्सा होते हैं। ये ऐसे सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट के बीच एक कोई संबंध पालन करके सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस सर्किट में दो इनपुट है और एक आउटपुट है, और इस आउटपुट का वोल्टेज इस पर निर्भर करेगा कि किस तरह का लॉजिक गेट हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है। सिग्नल्स दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल्स लगातार बदलते रहते हैं। इसमें वोल्टेज अपने न्यूनतम और अपने अधिकतम के बीच की कोई भी संख्या ले सकता है। वह दूसरी तरफ डिस्क्रीट सिग्नल में वोल्टेज या तो कम होता है या ज्यादा। कम वोल्टेज को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ज्यादा वोल्टेज को एक से। चलिए अब जानते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बना है। सबसे पहले देखते हैं ऐसा सर्किट जिसमें एक इनपुट हो और एक आउटपुट। क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास दो मामले हैं, या तो ए का वोल्टेज कम हो या ज्यादा। वाई का वोल्टेज इस पर निर्भर करेगा कि किस तरह का लॉजिक गेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। अब देखते हैं ऐसे सर्किट के लिए जिसमें दो इनपुट हो और एक आउटपुट हो। यहाँ हमारे पास कुल चार मामले हैं, या तो दोनों का वोल्टेज कम हो, या वी का ज्यादा ए का कम, या ए का ज्यादा वी का कम, या दोनों का ज्यादा हो। यहाँ भी वाई का वोल्टेज इस पर निर्भर करेगा कि कैसा लॉजिक गेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लॉजिक गेट्स कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, और ये इनके सिंबल्स है जो हम सर्किट डायग्राम में इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानेंगे कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं नॉट गेट से। इस लॉजिक गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। यह इसका सर्किट डायग्राम है। ये लॉजिक गेट वोल्टेज पलट देता है, यानी कि अगर इनपुट में कम वोल्टेज यानी जीरो हो तो आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज यानी एक होता है, और इनपुट में एक हो तो आउटपुट में जीरो होता है। अब हम देखते हैं नॉट गेट का वेवफॉर्म एनालिसिस, यानी जब कोई सिग्नल इस लॉजिक गेट से निकलेगा तो किस तरह बदल जाएगा। मान लीजिए यह हमारा सिग्नल है जो अंदर आ रहा है। जीरो से T1 के बीच में ये सिग्नल हाई है यानी ज्यादा है, तो नॉट गेट से निकलने के बाद ये कम हो जाएगा। T1 से T2 के बीच में ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, और आगे ज्यादा है तो कम हो जाएगा। यानी कि ऐसा सिग्नल अंदर आ रहा है, वो निकलने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। तो शुरू करते हैं नॉट लॉजिक गेट के लॉजिक सर्किट को बनाना। आवश्यक सामग्री: बैटरी, तार, प्लायर, एलईडी लाइट, स्विच यानी खटका, रजिस्टर और सोल्डरिंग मशीन। तो अब शुरू करते हैं सर्किट बनाना। सबसे पहले हम एक रजिस्टर लेंगे। हम रजिस्टर के तार में एक लूप बना लेंगे। अब हमको इस रजिस्टर को सेल होल्डर के नेगेटिव हिस्से से जोड़ना है। इसके लिए हम तार के अंत से थोड़ा सा प्लास्टिक कवर हटा देंगे। इस तार को अब हम रजिस्टर के लूप में डाल देंगे और अच्छे से घुमा देंगे। याद रखिएगा, जब भी आप सर्किट बना रहे हो सेल सेल होल्डर के अंदर ना हो। इस कनेक्शन को सोल्डर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे। इस जॉइंट को सोल्डरिंग मशीन की मदद से जोड़ देंगे।
स्विच को जोड़ने की तैयारी करेंगे। इसके लिए एक तार लेंगे और उसे स्विच के एक छेद से निकालकर अच्छे से लपेट देंगे। अब हमें एलईडी को सेल होल्डर के पॉजिटिव साइड से जोड़ने की तैयारी करनी है। ये एकदम वैसे ही होगा जैसे हमने रजिस्टर के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है। एलईडी के दो तार होते हैं, एक लंबा और एक छोटा। हमें लंबे तार को ही बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने उल्टा कर दिया तो एलईडी काम नहीं करेगा। तो अब तक हमने जो किया है, अब हमको उसे जोड़ना है इस डायग्राम के मुताबिक। सेल्स, रजिस्टर और एलईडी सीरीज में जाएंगे और एलईडी के पैरेलल हमने स्विच लगा दिया। तो जब ये स्विच खुला है, सारा का सारा करंट आगे से एलईडी की ओर निकल जाएगा और एलईडी रोशन हो जाएगी। लेकिन जैसे हमने ये स्विच बंद कर दिया, सारा करंट इस तार से स्विच से निकल जाएगा और एलईडी रोशन नहीं होगी। इसे अब देखते हैं। पहले स्विच ऑन है तो एलईडी चालू नहीं हो रही। जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया तो एलईडी चालू हो गई। ये सर्किट एक तरह से नॉट लॉजिक गेट की तरह पेशा रहा है। जब स्विच बंद है तो लाइट चल रही है और जब स्विच चालू है तो लाइट बंद हो रही है। चलिए अब देखते हैं और गेट। और गेट में दो या उससे ज्यादा इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसमें अगर सारे इनपुट कम हो यानी जीरो हो तभी आउटपुट भी जीरो होता है, लेकिन अगर एक भी इनपुट ज्यादा हो गया यानी वन हो गया तो आउटपुट वन हो जाएगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं अब। अगर दोनों में कम हो यानी जीरो हो तो आउटपुट भी जीरो ही होगा। अगर ए जीरो और बी वन है तो आउटपुट वन होगा। अगर ए वन है और बी जीरो है तो भी आउटपुट वन होगा, और अगर दोनों वन है तो आउटपुट वन होगा। यानी अगर कोई भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट वन ही आएगा। इसका वेवफॉर्म एनालिसिस भी देख लेता है, यानी कि दो से सिग्नल कैसे आउटपुट देगे। मान लीजिए ये सिग्नल ए में आ रहा है और ये बी में आ रहा है। जीरो से टी वन में ये जीरो है और ये वन है, तो इनका रिजल्टेंट यानी जो बाहर निकलेगा वो भी वन होगा। T1 से T2 में ये 1 है और ये 0 है तो बाहर निकलने वाला तब भी 1 रहेगा। T2 से T3 में दोनों 0 है तो ये 0 रहेगा, और T3 से T4 में दोनों 1 है तो ये 1 हो जाएगा। यानी ये दो सिग्नल और गेट में कम मिलके ये सिग्नल दे रहे हैं हमको। अब इसका सर्किट देखते हैं। यहाँ पे ये दो स्विच पैरेलल में है, और फिर बैटरी, स्विच, रेजिस्टर और एलईडी ये चारों सीरीज में हैं। अगर दोनों स्विच ओपन है यानी खुले हुए है यानी 0-0 तो करंट जाएगा ही नहीं और एलईडी चालू नहीं होगा। लेकिन हमने अगर एक भी स्विच बंद कर दिया तो करंट वहां से निकल जाएगा और एलईडी चालू हो जाएगा। तो देखते हैं इसे। पहले दोनों स्विच बंद है तो एलईडी भी बंद है। जैसे हमने एक स्विच चालू किया एलईडी चालू हो गया,
इसको बंद करके दूसरा चालू करते हैं तो देखते हैं तब भी एलईडी चालू हो गया, और अगर दोनों चालू किए तो भी एलईडी चालू ही है। एंड गेट, एंड गेट में भी दो या उससे ज्यादा इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसमें अगर सारे इनपुट हाई हो यानी एक हो तभी आउटपुट भी ज्यादा यानी एक होता है, लेकिन अगर एक भी इनपुट कम हुआ तो आउटपुट कम आएगा। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, अगर ए और बी इनपुट और वाई आउटपुट है, अगर दोनों जीरो हो तो वाई भी जीरो होगा, अगर एक जीरो और एक वन हो तो भी वाई जीरो होगा, ए वन और बी जीरो हो तो भी जीरो होगा, और दोनों वन हो तभी वन होगा। यानी अगर एक भी इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट जीरो ही आएगा। इसका भी वेवफॉर्म एनालिसिस देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये सिग्नल ए में आ रहा है और ये सिग्नल बी में आ रहा है, जीरो से टी वन में ये कम है और ये ज्यादा है तो बाहर भी कम ही आएगा। टी वन से टी टू में ये ज्यादा है ये कम है तो बाहर कम आएगा, टी टू से टी थ्री में दोनों ही कम है तो भी कम आएगा, और टी थ्री से टी फोर में ये ज्यादा और ये ज्यादा तो ज्यादा आएगा। यानी ये दोनों सिग्नल एंड गेट में मिलके हमको ये सिग्नल दे रहे हैं। इसके सर्किट में भी हमने दो स्विच ले है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्विच बैटरी रजिस्टर एलईडी सब सीरीज में है, देख सकते हैं आप यहाँ। अगर हमने एक स्विच बंद किया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और करंट जाएगा नहीं और एलईडी रोशन नहीं होगा, लेकिन हमने अगर दोनों स्विच बंद कर दिए तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करना चालू हो जाएगा और एलईडी रोशन हो जाएगा। तो देखते हैं इसे अब, अगर पहले दोनों बंद है तो एलईडी बंद, एक चालू किया तब भी एलईडी बंद, दोनों चालू किए तो एलईडी जला है, और अगर दूसरा बंद किया पहला चालू तब भी एलईडी बंद है। तो अगर आपको और गहराई में जानना है कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं, लॉजिक गेट्स कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, लॉजिक गेट्स को ट्रांजिस्टर से कैसे बनाते हैं, तो आप इन लिंक्स पर जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।